नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनार के पौधे में फल फटने की समस्या और इस समस्या के समाधान के बारे में। तो इस पूरे वीडियो को, जिसका कि टाइटल आज हमने रखा है अनार के पौधे में फल फटने की समस्या, इस पूरे वीडियो को हमने दो चरण में रखा है। पहला चरण होगा कारण और दूसरा होगा उसका समाधान, ताकि आप समस्या के साथ साथ उसके समाधान के बारे में भी विस्तार से जान पाए। कारण जो होते हैं दोस्तों, दो तरह के कारण होते हैं अनार के पौधे में फल फटने का। पहला कारण होता है बाहरी कारण, जिसमें कि एक्सटर्नल जो फैक्टर है उसकी वजह से आपके पौधे में फल फट सकता है, जैसे कि हवा, नमी, कीट, ये कीड़े मकोड़े या किसी तरह की बीमारी से आपके अनार के पौधे में फल फट सकता है। दूसरा होता है आंतरिक कारण, जैसे कि हार्मोन या पोषक तत्वों की कमी। तो इन कारणों के बारे में और इन सारी समस्याओं के समाधान के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको बागवानी का शौक है, तो इस वीडियो की जानकारी को पसंद करते हुए इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह के बागवानी से संबंधित वीडियो लगातार बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अनार के पौधे में फल फटने के जो बाहरी कारण है और समाधान है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो फैक्टर होता है वो होता है कम या ज़्यादा नमी। तो अगर अनार के पौधे में फल जो है पकने का जब सीज़न आता है, उस समय अगर बहुत ही कम मात्रा में पानी आप पौधे को देते हैं, तो इसका जो छिलका है वो सूखना शुरू हो जाता है और अंदर से फटना शुरू हो जाता है। या फिर ज़्यादा पानी अगर आप दे देते हैं, तो अंदर जो है फल वो साइज़ बढ़ाना शुरू करेगा और बाहर छिलका उस गति से नहीं बढ़ पाता, तो उस वजह से भी छिलका फटना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि नमी जो है वो बराबर मात्रा में बनी रहे, ना ज़्यादा ना कम। और एक शेड्यूल जो पानी देने का पौधे के अंदर होता है, 10 दिन 15 दिन सर्दियों में और हफ्ते में एक बार गर्मियों में, उस शेड्यूल से ही आप पानी दीजिए। साथ ही साथ बारिश के मौसम में खासतौर पे इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जल के निकास का उचित प्रबंध आप करके रखें, ताकि पौधे के आसपास ज़्यादा मात्रा में पानी खड़ा ना हो, जिसकी वजह से ना सिर्फ फल फटने की समस्या और भी काफ़ी समस्याएं आपके पौधे में हो सकती है। तो इस चीज़ का आप खासतौर पर ध्यान रखिए। दूसरा जो कारण, अगर हम दूसरे कारण की बात करें जिसकी वजह से अनार के पौधे में फल फट सकता है और जो कि भारी कारण है जो आपके पौधे को प्रभाव डाल सकता है, वो होगा दोस्तों हवा वेग। हवा वेग की वजह से भी, यानी जो एयर है उसकी ड्राइनेस और उसकी स्पीड की वजह से भी अनार के पौधे में फल फट सकता है। खासतौर पर उत्तर भारत और पश्चिम भारत के अंदर जो जलवायु है वो काफ़ी कठोर होती है, और गर्मियों में यहाँ पर लू चलने का भी काम होता है, जहाँ पर काफ़ी गर्म और शुष्क हवाएं चलती है। और जब ये अनार के पौधे के छिलके से टकराती है, तो उसका सारा मॉइस्चर जो है खींच लेती है, जिसकी वजह से छिलका फटना शुरू हो जाता है। तो इसके समाधान में आप जो है पौधे के आसपास एक नमी का वातावरण बनाकर रख सकते हैं, और सिर्फ पौधे के अंदर ही पानी मत दीजिए, बल्कि इसके आसपास के सराउंडिंग में भी आप पानी दे सकते हैं। दूसरा, लू से बचाने के लिए उत्तर और पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाओं की रोकथाम अगर आप कर सके, करने में सक्षम है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वरना इस पौधे के आसपास में अगर आप नमी बनाकर रखते हैं, तो भी ये फैक्टर जो है आप इससे निजात पा सकते हैं। तीसरा कारण होता है दोस्तों किसी तरह के कीट, यानी किसी तरह के कीड़े मकोड़े आपके पौधे में लग जाना, या फिर फफूंदी लग जाना। फफूंदी ज़्यादातर लगती ज़्यादा नमी की वजह से, आपके पौधे के आसपास नमी अगर ज़्यादा है तो, और ख़ास करके बारिश के मौसम में फफूंदी लगना काफ़ी आम समस्या है अनार के पौधे में। इसमें आपके जो फल है उसके ऊपर छोटे छोटे जो है ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के धब्बे बनना शुरू होते हैं, जो धीरे धीरे साइज बढ़ाते हैं, और फिर इन धब्बों में से फल फटना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप नीम का जो तेल है उसकी स्प्रे बीच बीच में अपने पौधे में कर सकते हैं। इससे नीम के तेल के स्प्रे से ना सिर्फ फंगस से छुटकारा, फफूंदी से छुटकारा आपके पौधे में मिलेगा, बल्कि कई तरह के कीड़े जो फलों के अंदर घुस के फलों को खाना शुरू कर देते हैं, उनसे भी आपको अनार के पौधे में ज़रूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये हो गए बाहरी कारण। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक कारण, जिनकी वजह से अनार के पौधे में फल फटने की समस्या हो जाती है। और ये सारे वो कारण है, खासतौर पर अगर आप देखिए कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद 3 महीने में एक बार आप अपने पौधे के अंदर दे रहे हैं, तो उससे जितने भी पोषक तत्व होते हैं अनार के पौधे में, वो सारे उनकी पूर्ति होती रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पौधे में कोई पोषक तत्व की कमी हो गई है, खासतौर पर मैग्नीशियम, जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी अनार के पौधे में फल फटना जो है शुरू हो सकता है। तो इनके समाधान के लिए, एक तो आप अपना शेड्यूल रखिए, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो है जैविक खाद है, अपने पौधे को लगातार देते रहिए। अगर आपने पीछे ऐसा नहीं किया और अभी तुरंत की जो पैदावार है उसको आप बचाना चाहते हैं, तो जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के जो घोल आते हैं, वो घोल आप अपने पौधे के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। इनकी मदद से जो आपकी जो अभी की जो पैदावार है उसमें फल फटने की समस्या नहीं होगी। और आगे आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि पौधे में जो है जैविक पदार्थ की मात्रा आप बढ़ाइए, जिसकी वजह से जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वो समय से अपने आप ही जैविक तरीके से पूरी होती रहेगी। दूसरा कारण होता है दोस्तों हार्मोन की कमी।
तो ऑक्सिन नाम का हार्मोन अगर पौधे के अंदर कम हो जाता है, न सिर्फ अनार का पौधा बल्कि बाकी पौधों के अंदर भी ऑक्सिन नाम का हार्मोन अगर नहीं बनता है तो फल पकने में काफ़ी खासी दिक्कत आती है। यह होता है जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। अब फिर से जो जिंक जो है वो भी एक पोषक तत्व ही है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से पौधे में हार्मोन की समस्या होती है। तो आप ध्यान रखिए कि जैविक पदार्थ आप अपने पौधे के अंदर बीच बीच में देते रहिए और जिंक सल्फेट का छिड़काव भी आप अपने पौधे में कर सकते हैं। 2,4-D जो है हार्मोन की कमी में आप छिड़क सकते हैं। इसके अलावा कुछ अनार की प्रतिरोधक प्रजातियाँ भी आती दोस्तों, जो सिर्फ ना भारी बल्कि आंतरिक कारणों से भी लड़ने में काफ़ी सक्षम होती है, जैसे कि नासिक, डोलका, जालोर, ये किस्में आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियों से अनार के पौधे में आप बचे रहेंगे। तो ये थी सारी जानकारी दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक किए हुए बिल्कुल आप हमारे चैनल से ना जाए। साथ ही साथ अगर आप रेगुलर दर्शक में से नहीं है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आप हमारा वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हम इसी तरह के बागवानी से संबंधित वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।